प्रेमी सज्जनों की सेवा में महाभारत की कथा से किस्सा अंबा अंबिका अंबालिका के स्वयंवर की रागनियां प्रस्तुत हैं। किसी समय का जिक्र है कि काशीपुरी में काशीराज की तीन पुत्रियां थी। सबसे बड़ी का नाम अंबा था। वह बड़ी रूपवती व गुणवती कन्या थी। वह कभी कभी अपने बगीचे में घूमने फिरने चली जाया करती थी। एक दिन जब वह अपने बगीचे में घूम रही थी तो शालव नरेश घोड़े पर सवार होकर पानी पीने की इच्छा से तथा शीतल छाया में कुछ देर आराम करने के वास्ते बगीचे में आ गए। एक पेड़ से घोड़े को बांध दिया और फिर पानी की तलाश में उस ओर गए जहां कुआ था। चलते चलते वे बाग की शोभा को निहार रहे थे। अंबा ने जब उस अजनबी को देखा तो सोचा कि शायद कोई या तो रास्ता भटक गया है या फिर प्यासा होगा। तो अंबा उस अजनबी से क्या पूछती है और शालव नरेश क्या बताता है। नीर तलाश फिरूं सूं छोरी बाग तुम्हारे मैं। ओ परदेसी कौन फिरे तू घूमे बाग हमारे मैं। हाँ करता नीर तलाश फिरूं सूं छोरी बाग तुम्हारे मैं। ओ परदेसी था नीर पिला दे के घट जा तेरा चातर। तारा डोल खींचे कोन्या मेरा से थोड़ा सा जातर। नीर प्यान ते नाट से तू क्यों बन री से पाथर। नहीं तिसाया पानी का मन छड़ दीखे मन थारे में। गुंगे की माप जान ले गुंगे के गुप्ती सारे ने। ओ परदेसी कौन फिरे बंदा नहीं लको के बात करूं। मन इंद्री वश में रख के ना गैर पुरुष की चाहत करूं। मैं बन गया तेरा प्रेम पुजारी नहीं तेरे ते घात करूं। नाम गाम का बेरा ना कुछ ना जानू तेरे बारे शालव नरेश मने कहते तू ध्यान लगा ले प्यारे मैं। ओ परदेसी कौन फिरे तू घूमे बाग हमारे मैं। मैं करता नी तलाश फिरूं सूं छोरी बाग तुम्हारे मैं। ओ परदेसी कौन फिरे काशी
छालव रेस प्यार का भूखा इतनी करड़ी मत ताने के घर पे बैठी बाहर बता क्यों गलघल दिया देंगे ताने मैं मोड़ बांध के आ जाऊंगा जो बात मेरी तू या माने क्या शादी कोई खेल नहीं से फायदा सोच विचारे पट रानी मौज करेगी क्यों बैठी भेस कुआरे में ओ परदेसी कौन फिरे कह के बोलेगी उस दिन की इंतजारी मन में बस गया परदेसी पर शादी बिन लाचारी पलटन फौज रिसाले लाऊं करके ब्याह की तैयारी मेहर दुर्गे की लागे नाव किनारे में ओ परदेसी कौन फिरे तू घूमे बाग हमारे में करतानी तलाश फिरूं छोरी बाग। इस प्रकार शालम नरेश ने उस अनुपम रूपति कन्या के सामने शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। संकोचवश अम्बा ने खुले शब्दों में तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस दिन से वह शालम नरेश को अपना पति मानने लगी। इन बातों को सालों बीत गया। अब तो अम्बा की दोनों छोटी बहन अंबिका व अंबालिका भी शादी के योग्य हो गई थी, तो काशीराज ने अपनी तीनों पुत्रियों के स्वयंवर की घोषणा कर दी। देश विदेश के बहुत से राजाओं के पास में चिट्ठियां भिजवाई। स्वयंवर का समाचार पाकर शालम नरेश एक दिन फिर काशीराज के बगीचे में आया, जहां की अम्बा उन दिनों प्रतिदिन उन्हीं की प्रतीक्षा किया करती थी। तो शालम नरेश बगीचे में बैठी अम्बा को देखकर समझ गया कि मेरा वर्षों पुराना प्रस्ताव राजकुमारी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया होगा। तो दोनों की आपस में बातचीत होती है, क्या कहते हैं। पास मेरे आ प्यारी मने क्यों चढ़ फारी मेरे आ प्यारी मने क्यों तड़ फारी मान लिया पिया लगे नाब जिया हुया है पल पल भारी हुया है पल पल चिट्ठी देश देश में गेरी मन करा संकल्प मन मैं बनूं बहुड़िया तेरी गोरी अम्बा तेरे प्यार में या बिंदी आत्मा मेरी मैंने जब से तुम्हें देखा तेरे नाम की माला तेरी स्वयंवर हो बारी मिलन छतरदारी ध्यान धर तेरा सजन तू मेरा
छैल देख के कद भटक न जा मन तेरा। तेरे संग में मर न जीना, तू राख अकीदा मेरा। मैं तेरे घर आऊंगा कल बांध शीश पे सेहरा। बनिए मेरी प्यारी करूंगा मैं इंतजारी। मेरे मत पिया तने ये दिल दिया तेरे पे बाली हारी, तेरे पे बाली हारी। पास मेरे आ प्यारी मने क्यों तड़फारी। मान लिया पिया लगे नाप दिया, हुया है पल पल भारी, हुया है पल पल भारी। नींद तलक नाई हुई घायल तेरे प्रेम में, करी मुश्किल गात समाई। चकवे चकवी की ढाला गोरी होरी रात जगाई। मन मोहनी तेरी सूरत मन हृदय बीच समाई। न हुए बचना हारी रहे मत अब न्यारी। पर तेरी घर वाली तेरे नखरे ना जुटाऊं। ना हुई तेरे संग शादी तो मैं सदमा खा मर जाऊं। अरे राम बैस लेके मैं तन नए नए छंद सुनाऊं। खटकती लहदारी खोल कह दी सारी। पास मेरे आ प्यारी मने क्यों तड़फारी। मान लिया पिया लगे ना अब जिया। इस प्रकार से अम्बा ने यह वचन दे दिया कि श्रीमान जी, जब से मैं आपको मिली हूँ मैं तभी से आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। और मैं ये वचन देती हूँ कि स्वयंवर के दिन आप ही को बरूंगी। यह वार्ता होकर शालव नरेश व अम्बा वहां से चले आए। अब तो तीनों कन्याओं के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गई। इधर स्वयंवर का समाचार हस्तनापुर में भीष्म को भी मिला। उस समय हस्तनापुर पर भीष्म के भाई विचित्र वीर्य को गद्दी पर बैठाया गया था, जो कि अभी कवारा था। तो भीष्म उसकी शादी करने के उद्देश्य से रथ पर सवार होकर काशीराज के स्वयंवर में पहुंच गया। काशीराज ने वहां घोषणा की कि जो भी योद्धा सबसे बलवान होगा उसके साथ मैं अपनी पुत्रियों की शादी करूंगा। फिर क्या था, भीष्म ने उन तीनों कन्याओं को अपने रथ पर बैठा लिया और सभी राजाओं महाराजाओं के बीच में ये घोषणा की कि शांतनु पुत्र भीष्म इन कन्याओं को ले जा रहा है, जिसमें बल हो रोक ले। चारों तरफ से भीष्म के ऊपर तीरों की वर्षा होने लगी, लेकिन भीष्म ने अपने बाणों की वर्षा करके सभी राजाओं को भागने के लिए मजबूर कर दिया और तीनों कन्याओं को हस्तनापुर ले आया।
तीनों कन्याओं की शादी जब विचित्र वीर्य से करने लगा तो बड़ी कन्या अम्बा ने शादी करने से इनकार कर दिया और भीष्म से कह दिया कि क्योंकि मैं शालव नरेश को अपना पति मान चुकी हूँ अतः मैं शादी नहीं करवाऊंगी। तो इस प्रकार से भीष्म व अम्बा के सवाल जवाब होते हैं। क्या कहते हैं? मंदिर में जिसे पूजती ध्यान हटाना ना चाहिए। शालव भूप से मेरे मन में कोई और बसाना ना चाहिए। तुमन मंदिर में जिसे पूजती ध्यान हटाना ना चाहिए। मंदिर में जिसे पूजती ध्यान हटाना ना चाहिए। शालव भूप बसे तेरे मन में पति समान मान राखे। तेरा तन मन उसके अर्पण गुण की खान मान राखे। तू तरकस की भांति है वे तीर कमान मान राखे। आठो पहर करे पूजा क्या वे भगवान मान राखे। वे भगवान मान राखे। बिना डोर के आसमान में पतंग उड़ाना चाहिए। मन मंदिर का जो देव पुजारी ध्यान हटाना ना चाहिए। शालव भू बसे मेरे मन में कोई और बसाना ना चाहिए। मन मंदिर में जिसे पूजती ध्यान हटाना ना चाहिए। मछली का जो तड़प तड़प निकले प्राणी।
मंदिर में जिसे पूजती ध्यान हटाना ना चाहिए। बसे मेरे मन में कोई और बसाना ना चाहिए। मन मंदिर का दे पुजारी उससे ध्यान हटाना ना चाहिए। बिल्कुल धर्म नहीं बिल्कुल हारू मन अपने मन में ठान लिया। धर्म की ज्योति अमर बताई न्यू गुरुओं ने ज्ञान दिया। पतिव्रता का कर्म कायदा मन सब कुछ पहचान लिया। उसके साथ तू कर ले शादी जो एक बार पति मान लिया। एक बार पति मान लिया। हरे राम कह धर्म कथा को, हरे राम कह धर्म कथा को, सुर बिन गाना ना चाहिए। मन मंदिर में जिसे पूजती ध्यान हटाना ना चाहिए। मंदिर का दे पुजारी ध्यान हटाना ना चाहिए। इस प्रकार से राजकुमारी अम्बा ने भीष्म व अन्य दरबारियों के समक्ष स्पष्ट कह दिया कि मैं शालव नरेश को अपना पति मानती हूँ, अतः आप मुझे बा इज्जत मेरे पति के यहाँ भिजवाने का कष्ट करें। तो भीष्म ने मौसी सत्वती की सलाह से व पुरोहितों व मंत्रियों की सलाह से अम्बा को वृद्ध ब्राह्मणों व धात्रियों के साथ वापिस अम्बा को जाने की अनुमति दे दी। तो शालव नरेश के दरबार में अम्बा पहुंचती है और उसके साथ में जैसी जैसी गुजरी सब कुछ उसको बताया और फिर प्रार्थना की कि मैं एकदम पवित्र आपके चरणों की दासी हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। लेकिन शालव नरेश अब उसे अस्वीकार कर देता है। कहता है कि क्योंकि पहले तुम्हारा संबंध दूसरे पुरुष से हो चुका है, मैं तो दूसरों को भी धर्म का उपदेश देता हूँ, मुझे सब बातों का ज्ञान है और तुम्हें भीष्म हर कर ले गया था, अतः मैं तुम्हें अब पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। तो अम्बा व शालव नरेश में जवाब सवाल होते हैं, क्या कहते हैं। शम की रानी है वीर बिरानी बनी खतावार तू। शम की रानी है वीर बिरानी बनी खतावार तू। प्यार किया था माने
कोना, दिल तेरे ते दूर कोना, मेरा भी कसूर कोना, दिल तेरे ते दूर कोना, करुणा धर्म की हारी, तू गैर किनारी कर ले विचार तू। स्वयंवर मैं आके तन ले गया ठाके, कर थी पुकार तू। विषम की रानी है वीर बिरानी बनी खतावार तू। पतिव्रता कित रहगी जब इज्जत ढहगी हुई लाचार तू। क्यों ठुकरावे पिया मेरा तोड़े दिया कर कैन प्यार तू। सतपुरुषों की कथा बनाता हरे राम कथित गाता, सतपुरुषों की कथा बनाता, छंद निराले तेरे बजरंगी तेरे करे प्रचार तू। इस प्रकार से शालम नरेश के समक्ष अम्बा ने तरह तरह से प्रार्थना की लेकिन उसको विश्वास नहीं आया। तब उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली और करुणा पूर्वक बहुत विलाप किया लेकिन शालम ने उसे त्याग ही दिया। जब वह नगर से बाहर आई तो उसने विचार किया कि अपने कुटुंबियों से तो मेरा संबंध टूट ही गया और शालव ने भी मेरा तिरस्कार कर दिया और अब हस्तनापुर भी नहीं जा सकती, इसमें दोष तो मेरा ही है। मुझे ये उचित था कि जिस समय भीष्म जी से युद्ध हो रहा था तो उस समय मैं शालव के लिए रथ से उतर जाती।
आज मुझे उसी का फल भोगना पड़ रहा है। किंतु यह सारी आपत्ति भीष्म के कारण ही तो आई है, अतः अब तपस्या या युद्ध के द्वारा मुझे उससे बदला लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह नगर से निकलकर तपस्वियों के आश्रम में आ गई। वहां राजऋषि होत्रवाहन आ गए। अम्बा ने पहले तो अपनी सारी कहानी उन्हें बताई और फिर वहां कुछ देर बाद परशुराम जी आ गए। तो सभी तपस्वियों के कहने पर अम्बा परशुराम जी से अपनी करुण कथा सुनाती है। परशुराम जी क्या पूछते हैं और अम्बा क्या कहती है। बियाबान में फिरे भटकती तू खोल के सारा हाल बता, के बुझो महाराज रहन दो दुखियारी की राम कथा। बियाबान में फिरे भटकती खोल के सारा हाल बता, के बुझो छोड़ यहाँ के आवन का काम तेरा, और किसे का दोष नहीं से रूट लिया से राम मेरा। हाँ महल हबेली किले छोड़ यहाँ के आवन का काम तेरा, और किसे का दोष नहीं से रूट लिया से राम मेरा। छूट लिया घर गाम तेरा बता, छूट लिया घर गाम तेरा बता, ऐसी कुर्सी पड़ी बिठा। हमर बीच में किश्ती फंस गई भारी दिखे जलो था, से जलदार बहस गात्र हास कांप तेरा। इस जीवन में दुख दे रहा कोई पिछले जन्म का पाप तेरा, रूट गया क्या बाप तेरा, रूट गया क्या बाप तेरा, तन ऐसी कुर्सी करी खता। प्राणों से प्यारी राखी बियाबान में भटक रही क्यों खोल के सारा हाल बता, के बुझो महाराज रहन दो दुखियारी की राम कथा, के बुझो महाराज रहन दो दुखियारी की राम कथा। Thank you.
सुना रखी बहु बना के क्यों भी सामने दई सता। शालव से मन प्यार किया था उसको सारी दई जता। शालव से जाके उल्टी भीषम धोरे जावो बोलिया न्यू धमकाके। हरे राम ने छंद बना के हरे राम ने छंद बना के अपना दिया खोल मता। किला फरीदाबाद बडोली वाया पलवल तेरा पता। बियाबान में भटक रही क्यों खोल के सारा हाल बता। के बूझो महाराज रहन दो दुखियारी की राम कथा। के बूझो महाराज रहन दो दुखियारी की राम कथा। इस प्रकार से राजकुमारी अम्बा ने परशुराम जी को जैसा जैसा हुआ था सब कह सुनाया। तब उन्होंने अम्बा से कहा कि तुझे फिर मैं भीष्म के पास भेज दूंगा, जैसा मैं कहूंगा वह वैसा करेगा। और फिर परशुराम जी ने अम्बा तथा अन्य ब्रह्मज्ञानी ऋषियों को साथ में लेकर कुरुक्षेत्र की ओर आए। वहां वे सरस्वती के तीर पर ठहर गए और भीष्म के पास में संदेश भिजवाया कि वे एक जरूरी कार्य से परशुराम जी ने बुलवाए हैं। तो भीष्म जी ब्राह्मण एवं पुरोहितों को साथ में लेकर तथा एक गाय भी लेकर परशुराम जी से मिले। पहले उनकी पूजा की और गाय भेंट की, क्योंकि परशुराम जी ने ही भीष्म जी को बाण विद्या सिखाई थी। इस प्रकार से परशुराम जी भीष्म के गुरु थे। और फिर तो परशुराम जी ने भीष्म को अपना आने का प्रयोजन बताया और कहा कि भीष्म, जब तुम्हें स्वयं विवाह करने की इच्छा नहीं थी तो तुम इस काशी राज की कन्या को क्यों हर ले गए थे और फिर इसे त्याग क्यों दिया? देखो, तुम्हारा स्पर्श होने से यह स्त्री धर्म से भ्रष्ट हो गई है, इसलिए राजा शालम ने इसे स्वीकार नहीं किया है। अतः अब अग्नि को साक्षी बनाकर तुम ही इसे ग्रहण करो। तो भीष्म जी ने कहा कि भगवान, मैं इसका विवाह अपने भाई के साथ किसी भी प्रकार से अब नहीं कर सकता, क्योंकि इसने स्वयं ही पहले मुझसे ये कहा था कि मैं शालव की हो चुकी हूं। और फिर आप तो जानते हैं कि मैंने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, अतः हे गुरुदेव, मैं अन्य कोई भी आपकी आज्ञा मान सकता हूँ, लेकिन इस कन्या को ग्रहण करने में मैं धर्म विरुद्ध आचरण कभी न करूंगा। तो भीष्म के इतना कहने पर परशुराम जी के नेत्र लाल हो गए और क्रोध में आकर भीष्म से क्या वचन कहते हैं और भीष्म क्या जवाब देता है। Thank you.
जहां करना होगा। या क्यों कर दी लाचार तने और बात गुरु सर माथे पर शादी ते इंकार मने शादी ते इंकार मने कन्ने अम्बात करना होगा या क्यों कर दिया जाए तने और बात गुरु सर माथे पर शादी ते इंकार मने शादी ते इंकार मने शादी ना करनी थी क्यों स्वयंवर ते लाया था छोटे भाई के संग इसका ब्याह रचाना चाया था धक्के देके काट गई फिर क्यों ना ब्याह रचाया था पति मानती थी शालव को इसने सा बताया था इसने सा बताया था एक अबला कुआरी कन्या की कर दी इज्जत खोर तने और बात गुरु सर माथे पर शादी ते इंकार मने शादी ते इंकार मने तने अम्बात ब्याह पर शादी ते इंकार मने शादी ते इंकार मने जो शादी ना जो शादी ना करी तने अंजाम भुगतना पड़ जागा मैं बाल जती ब्रह्मचारी हूँ गुरु मेरा धर्म बिगड़ जागा मेरा धर्म बिगड़ जागा ना माना तो गुरु शिष्य का ना तो आज घट जागा चेले का दोष रहे जब गुरु सामने अड़ जागा गुरु सामने अड़ जागा नीति और मर्याद के कारण ओ नीति और मर्याद के कारण ठाना पड़े हथियारे मने और बात गुरु सर माथे पर शादी ते इंकार मने शादी ते इंकार मने तने अम्बात ब्याह करना होगा या क्यों कर दी लाचार तने और बात गुरु सर माथे पर शादी ते इंकार मने शादी ते इंकार मने परशुराम के तेज क्रोध का सब दुनिया ने बेरा है खुद जननी मां मार गई न्यू नाम लिखड़ गया तेरा है नाम लिखड़ गया तेरा है छतरी जाम नहीं छोटा मन उजड़ कर दिया तेरा है सारी अकड़ लिकड़ जागी जब करे सामना मेरा है करे सामना मेरा है इस फर्श से 21 बार ये हिला
दिया संसार मने और बात गुरु सर माथे पर शादी ते इनकार मने शादी ते इनकार मने तने अम्मा पे पर शादी ते इनकार मने शादी ते इनकार मने तेरे खून से तेरे खून से प्यास बुझेगी परसा मेरा प्यासा है किदड़ भबकी दिखा रहा ना मुझ पे असर जरा सा है देव धनुज और मनुष्य कांपते मेरा अजब तमाशा है कल तेरे में पड़ जागा मेरा हाथ काल का फांसा है हाथ काल का फांसा है न्यू कहता हरे राम बैसला न्यू कहता हरे राम बैसला समझा के हर बार तने और बात गुरु सर माथे पर शादी ते इनकार मने शादी ते इनकार मने तने अम्मा ते ब्याह करना होगा या क्यों कर दिला चारे तने और बात गुरु सर माथे पर शादी ते इनकार मने शादी ते इनकार मने। इस प्रकार से परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि भीष्म यदि तुम इस कन्या को अस्वीकार कर रहे हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम संग्राम चाहते हो। और संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध करना तुम्हें महंगा होगा और यदि तुम ऐसा चाहते हो तो मैं कुरुक्षेत्र चलता हूं तुम वहीं आ जाओ मैं सैकड़ों बाणों से बींधकर तुम्हें धराशाही कर दूंगा। सारी दुनिया को पता है कि मैंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया है। तुम तो मेरे लिए तिनके के समान हो। पृथ्वी ही मेरा रथ है वेद मेरे घोड़े हैं वेद माता गायत्री सावित्री एवं सरस्वती मेरा कवच है। तो भीष्म जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा कि गुरुदेव बाल्य अवस्था में आपने ही मुझे धनुर्विद्या सिखाई है मैं तो आपका शिष्य हूं लेकिन आज आप गुरुओं का सा बर्ताव नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे युद्ध करने को तैयार हूं मैं क्षत्रिय हूं छात्र धर्म में स्थित हूं मैं युद्ध भूमि से हटकर नहीं जा सकता और आपने जो ये कहा है और बहुत दिनों से ये डीन हाँकते हैं कि मैंने अकेले ही पृथ्वी के सारे क्षत्रिय जीत लिए हैं सो सुनिए उस समय भीष्म के समान कोई क्षत्रिय उत्पन्न नहीं हुआ होगा तेजस्वी वीर तो बाद में उत्पन्न हुए हैं आप तो घास फूस में ही प्रज्वलित होते रहे हैं जो आपके युद्ध अभिमान को नष्ट कर सकता है उस भीष्म का जन्म तो अब हुआ है। और इस प्रकार दोनों महारथी बाण वर्षा करने लगते हैं। किस प्रकार से लड़ने लगे महारथी दोनों फिर झुके जमी आसमान लड़ते लड़ते बाणों ते ढक्या कुरुक्षेत्र मैदान ओ, 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 ओ
समान लड़ते लड़ते बाणों से ढका कुरुक्षेत्र मैदान सबसे पहले परशुराम ने कर में फरसा ठाया था लाल हुए नैनों के क्रोध गात में आया था गया काल जा कांप जमी का शेष नाग दहलाया था गया काल जा कांप जमी का शेष नाग दहलाया था आसमान में देव देख रहे जिनको सोच पड़े हो गए नू दिखे जन आमा सामी बकरी शेर अड़े हो गए पर भीषण के बाण नुकीले रास्ता रोक खड़े हो गए पर भीषण के बाण नुकीले रास्ता रोक खड़े हो गए फरसे का हुए मुनि हैरान लड़ते लड़ते बाणों से ढका कुरुक्षेत्र मैदान ओ लड़ने लगे महारथी दोनों झुके जमी आसमान लड़ते लड़ते बाणों से ढका कुरुक्षेत्र मस्तक के तार झंझोड़ दिए 169 बाण एकदम एक साथ में छोड़ दिए पर साध निशाना भी समझी ने गलत दिशा में मोड़ दिए साध निशाना भी समझी ने गलत दिशा में मोड़ दिए परशुराम के वार बचा के फिर भी सबने वार किए एक साथ 100 बाण छोड़ के मुनि देव लाचार किए सारा बदन किया था छलनी बाण काल जे पार किए सारा बदन किया था छलनी बाण काल जे पार किए हो गए परशुराम जी खतरे में पड़ी जान लड़ते लड़ते बाणों से ढका कुरुक्षेत्र मैदान ओ लड़ने लगे महारथी दोनों झुके जमी आसमान लड़ते लड़ते बाणों से ढका कुरुक्षेत्र मैदान रोज घोर घमशान हुआ पहले दिन की हार का ज्यादा परशुराम को ध्यान हुआ किया भयंकर युद्ध मुनि का चेहरा काल समान हुआ किया भयंकर युद्ध मुनि का चेहरा काल समान हुआ बाणों की वर्षा सी कर दी भर के पैर परण के माँ छाती बिंदगी बाणों से फिर भीषम गिरा धरण के माँ थोड़ी देर में मुरछाया गी रहेगी कसर मरण के माँ थोड़ी देर में मुरछाया गी रहेगी कसर मरण के रात दिखाई देती उठन लगे तूफान लड़ते लड़ते बाणों से ढका कुरुक्षेत्र मैदान ओ लड़ने लगे महारथी दोनों झुके जमी आसमान लड़ते लड़ते बाणों से ढका कुरुक्षेत्र भूमि में परशुराम गिरे पर ना होश कमाया था हार जीतना हुई किसी की दिन ते ईश्वर आया था हार जीतना हुई किसी की दिन ते ईश्वर आया था दिव्य अस्त्र जब आसमान में आपस में टकराए थे प्रलय सी होवन लगी अग्नि के बादल छाए थे तीन लोक नौ खंड भवन चौदह भी दहशत खाए थे तीन लोक नौ खंड भवन चौदह भी दहशत खाए थे हरे राम बैसला सुमर श्री भगवान लड़ते लड़ते बाणों
ते ढक्या कुरुक्षेत्र मैदान। ओ, 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 लड़ने लगे महारथी दोनों झुके जमे असमान, लड़ते लड़ते बाणों ते ढक्या कुरुक्षेत्र मैदान। इस प्रकार से 23 दिन युद्ध चलता रहा, किसी की हार जीत नहीं हुई। देवलोक से पितृगण तथा ऋषि मुनिगण नारद जी भी और भीष्म की मां भागीरथी भी युद्ध भूमि में आ गए और परशुराम जी से युद्ध न करने के लिए आग्रह करने लगे। आखिर परशुराम जी ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया और फिर भीष्म जी से भी युद्ध बंद करने का आग्रह किया, तो भीष्म जी ने युद्ध बंद करके परशुराम जी के पास में जाकर प्रणाम किया और परशुराम जी ने भीष्म को आशीर्वाद दिया और फिर परशुराम जी ने अम्बा से कहा कि कन्या, मैं तो बहुत लाचार हो गया हूँ, मैं युद्ध न करने के लिए भी मजबूर हूँ और भीष्म तुझे स्वीकार भी नहीं कर रहा है, अब जैसा तुम चाहो वैसा करो। तो प्रेमियों, अम्बा ने युद्ध भूमि में ही अपनी चिता लगा ली और भीष्म से कहने लगी कि अब मैं इस चिता में जलकर मर रही हूँ, लेकिन जिस प्रकार से तेरे कारण आज मैं प्राण त्याग रही हूँ, अगले जन्म में मैं तुझसे इसका बदला लूंगी। और इस प्रकार से अगले जन्म में अम्बा ने शिखंडी के रूप में, हिजड़े के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लिया और महाभारत युद्ध में भीष्म जी की मृत्यु का कारण बनी। प्रेमियों, अम्बा के स्वयंवर का ये किस्सा अब यहीं समाप्त होता है।